नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव में नामांकन लेने के लिए शुल्क हुए निर्धारित। बिहार में जल्द खुल सकता है सीआईडी का थाना। सूबे में आज और कल मिलेगी गर्मी से राहत। कोविड के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर आयोग का यह है खास प्लान। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में जल्द खुल सकता है सीआईडी का थाना। अपने बिहार में भी ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों की तरह जल्द ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी का अपना थाना खुल सकता है। इसे लेकर एक प्रस्ताव आया है जिस पर मुहर लगी, तो बिहार पुलिस की अन्य एजेंसियों की तरह ही सीआईडी में भी आम लोग एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीआईडी खुद अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी करेगा। आपको बता दें कि देश के कुछ राज्यों में यह सुविधा है, मगर बिहार में यह सुविधा अब तक नहीं है कि सीआईडी प्राथमिकी दर्ज कर सके, क्योंकि बिहार में इसका अपना थाना अभी नहीं है। हालांकि वर्तमान में किसी जिले में दर्ज होने वाले आपराधिक मामलों में अनुसंधान को अपने जिम्मे में लेने का अधिकार उसे प्राप्त है, मगर उसके आईओ जिला पुलिस का ही होते हैं। केवल पर्यवेक्षण करने का अधिकार सीआईडी को अभी है। सूबे में आज और कल मिलेगी गर्मी से राहत। बिहार में इन दिनों कहीं धूप तो कहीं छांव जैसे नजारे दिख रहे हैं। कारण यह है कि राज्य के कुछ हिस्से बारिश से भीग रहे हैं, तो कुछ हिस्सों में तेज धूप अपना असर दिखा रहा है। धूप से उमस और गर्मी से राहत लोगों को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज और कल दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का अनुमान जताया है, जबकि रात में साथ ही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज और कल हल्की बारिश हो सकती है। बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो इस दौरान न केवल दिन के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आई, बल्कि रात का पारा भी 1.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। वहीं हवाओं का रुख बदलने के कारण उमस से कम परेशानी हुई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.0 व न्यूनतम 26.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कोविड के बीच पंचायत चुनाव कराने को लेकर आयोग का है यह खास प्लान। बिहार में लॉकडाउन के लंबे समय के इंतजार के बाद अब पंचायत चुनाव होने की सुगबुगाहट तेज है। वहीं कोविड जैसे हालातों के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना राज्य चुनाव आयोग के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन आयोग अब खास प्लान के तहत लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चुनाव कराने की तैयारी में है। इसे लेकर बीते दिन ही आयोग ने कोविड गाइडलाइंस के साथ मतदान करने का प्लान जारी किया है। इसके मुताबिक जिन वोटर्स को बुखार होगा उनको पहले से प्रिंटेड करके एक टोकन नंबर दिया जाएगा, से वे मतदान के अंतिम घंटे में वोट कर सकेंगे। साथ ही साथ ईवीएम की एफए सेल, मतदान से लेकर मतगणना स्थल तक हर स्तर पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही वोटिंग के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा और आईपीसी की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बुजुर्ग और दिव्यांग लोग 102 नंबर डायल कर घर बैठे ले सकेंगे वैक्सीन। बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने के महाअभियान के तहत सरकार काम कर रही है। इसके तहत अब बूढ़े बुजुर्ग और दिव्यांग जन के द्वारा एक फोन करने पर घर जाकर उन्हें टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोशिश है कि जो लोग सेंटर पर आने में असमर्थ है उन्हें घर जाकर सुरक्षात्मक वैक्सीन लगाई जाए। यह सेवा बीते दिन गुरुवार से ही शुरू हो गई है। ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांग जन जो इस सेवा का लाभ लेना चाहते हैं वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 102 पर डायल करके अपना विवरण दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों की गठित टीम उनके घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगाएगी। इसके अलावा जिले के हेल्पलाइन नंबर पर भी डायल कर सकते हैं। पंचायत चुनाव में नामांकन लेने के लिए शुल्क हुए निर्धारित। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों के नामांकन के लिए देय शुल्क को निर्धारित कर दिया है। इसके तहत 6 पदों के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने के लिए प्रत्याशियों को 250 से लेकर 2000 रुपए तक देना होगा। हालांकि पद के अनुसार ही नामांकन शुल्क को तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य चुनाव आयोग ने बिहार में मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवारों के लिए 1-1000 रुपए नामांकन शुल्क को निर्धारित किया है। वहीं पंच और वार्ड सदस्य के लिए इसे 250 रुपए शुल्क रखा गया है, जबकि जिला परिषद सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क देना होगा। वहीं आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को कास्ट सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। मशहूर ककोलत जलप्रपात में अचानक से आई बाढ़। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले नवादा जिले के गोविंदपुर क्षेत्र में स्थित ककोलत जलप्रपात में बीते दिन गुरुवार को अचानक से बाढ़ का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से दर्जनों की संख्या में वहां मौजूद पर्यटक घंटों तक फंसे रहे। मिली जानकारी के मुताबिक ककोलत में अचानक से ही जल का स्तर बढ़ने से मुख्य धारा के पास के ऊपरी स्थल का भाग पूरी तरह से जलमग्न हो गया, तो वहीं निचले हिस्से की 32 सीढ़ी पानी में डूब गई। परिसर स्थित मंदिर और ड्रेसिंग रूम के भी कुछ हिस्से पानी से भर गया, जिसके बाद मशक्कतों बाद वहां मौजूद केयर टेकर्स ने सैलानियों को बाहर निकाला। गौरतलब है कि इलाके के एसडीओ ने ककोलत जलप्रपात में धारा 144 लागू कर सैलानियों के आगमन पर रोक लगाया हुआ है। बावजूद इसके पर्यटक काफी संख्या में हर रोज वहां पहुंच रहे हैं।
IIT भागलपुर के 9 छात्रों का हुआ दिग्गज कंपनियों में सिलेक्शन। बिहार के भागलपुर में स्थित IIIT में पढ़ने वाले 9 छात्रों को अलग अलग कंपनियों ने शानदार पैकेज पर सेलेक्ट किया है। इनमें से 5 छात्रों का चयन सैमसंग कंपनी में सालाना 6 लाख रुपए पैकेज पर सिलेक्शन हुआ है, तो वहीं 4 छात्रों का चयन एक्सीडेंस कंपनी में 5 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर हुआ है। जिन छात्रों का सैमसंग में चयन हुआ है वे सभी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फैकल्टी के हैं। इनमें खगड़िया, पटना और वाराणसी के छात्र शामिल हैं, जबकि एक्सीडेंस कंपनी में सिलेक्ट हुए छात्र मुजफ्फरपुर, पटना और धनबाद के रहने वाले हैं। ये चारों छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्र हैं। IIIT के PRO धीरज सिन्हा ने इस बारे में बताया कि यह IIIT का पहला बैच है जिसमें अब तक कुल 52 छात्रों का प्लेसमेंट अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए हुआ है। उन्हें बढ़िया पैकेज भी दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन में किया विस्तार। कोविड मामलों में सुधार होता देख एक बार फिर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर कई ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे ने बीते दिन गुरुवार को सूचना जारी कर कई ट्रेनों के विस्तार अवधि को बढ़ा दिया है। इसके मुताबिक सप्ताह में 4 दिन चल रही 05054 लखनऊ जंक्शन छपरा विशेष गाड़ी के परिचालन को 14 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा सप्ताह में 4 दिन चल रही 05053 छपरा लखनऊ जंक्शन विशेष गाड़ी भी 17 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलाई जाएंगी। इसी प्रकार सप्ताह में 3 दिन चल रही 05083 छपरा फर्रुखाबाद विशेष गाड़ी की आवृत्ति में भी वृद्धि कर 15 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक तथा सप्ताह में 3 दिन चल रही 05084 फर्रुखाबाद छपरा विशेष गाड़ी को 16 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलाया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा और सुरक्षा में की जाएगी बढ़ोतरी। बिहार के दरभंगा जिले में इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ान भरने से यहां यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्री सुविधा और सुरक्षा को और भी पुख्ता किया जाएगा। इसे लेकर बीते दिन गुरुवार को ही नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक ने एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर व बाहर सहित तमाम बिंदुओं की बारीकी से जांच की। इसके अलावा निदेशक ने स्पाइस जेट व इंडिगो के अधिकारियों के साथ साथ एयरपोर्ट के डायरेक्टर और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 2 दिन तक लगातार एयरपोर्ट का जायजा लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जल्द ही कुछ तब्दीली देखने को मिल सकती है। बिहार के किसानों को मिला 17,300 नैनो यूरिया की खेप। फसलों में खाद के तौर पर किसानों को बड़ी मात्रा में यूरिया फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ता है, मगर अब एक 500 मिलीलीटर की नैनो बोतल में 45 किलो बोरी वाले यूरिया उपलब्ध होगी। दरअसल बीते दिन गुरुवार को कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफको द्वारा इजाद किए गए नैनो यूरिया को लॉन्च किया है, जिसके तहत बिहार को पहली खेप में इसके 17,300 बोतलें मिली हैं। इफको के अधिकारियों का दावा है कि नैनो यूरिया से किसानों को फायदा तो होगा ही, साथ में सरकारी सब्सिडी के 50,000 करोड़ रुपए भी बचेंगे। इसके जरिए बिहार में सामान्य यूरिया की खपत को 50% तक कम किया जा सकता है। बताते चले कि नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के एक बैग के बराबर काम करती है। बिहार में 10 फसलों पर 750 जगह इसका परीक्षण किया गया है, इससे 8% अधिक उपज मिली है। चिराग ने कहा 95% कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज भी हैं उनसे जुड़े। जमुई से लोजपा सांसद चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान हर रोज विभिन्न जिलों में आम लोगों से भेंट मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। इस बीच बीते दिन गुरुवार को समस्तीपुर यात्रा के दौरान उन्होंने परिवार के टूटने का दर्द बताते हुए चाचा को उनके परिवार का राजनीतिक भविष्य खराब करने वाला बताया। हिंदुस्तान खबर से हुई बातचीत के दौरान चिराग ने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने मंत्री बनने के लालच में प्रिंस राज, कृष्ण राज और अपने पुत्र के राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण लगा दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चाचा को अगर किसी तरह की शिकायत होती तो वे बात कर विचार विमर्श करते, पशुपति पारस को अपनी गलती का एहसास बाद में होगा। वही चिराग पासवान ने कहा कि 95% कार्यकर्ता और पदाधिकारी आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और आशीर्वाद यात्रा में उन्हें लोगों का स्नेह और प्यार मिल रहा है। वही भाजपा से संबंध के सवाल पर चिराग ने कहा कि जब अपनों ने ही धोखा दिया तो दूसरे से उम्मीद करना बेमानी है। पूर्व मंत्री ने नीतीश कुमार को बताया चाटुकारों और दलालों से घिरा हुआ सीएम। बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह अक्सर नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया है। बताते चले कि वे खुद भी नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। वहीं अब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के आसपास बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो सत्ता के भूखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार में मंत्री रहते समय मैंने कृषि के लिए रोड मैप तैयार किया था, इससे जमुई की सूरत बदल गई थी। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि कोरोना
कार्यकाल खत्म होने के बाद अगस्त महीने में किसानों के साथ उनके मुद्दे को लेकर वे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और राज्य में विशाल रैली निकालेंगे, जिसमें वे किसान नेता राकेश टिकैत को भी बुलाएंगे। पटना डीएम ने टीकाकरण में अग्रणी आने पर निगम महापौर को किया सम्मानित। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू को टीकाकरण में सबसे आगे रहने को लेकर बीते दिन गुरुवार को डीएम के हाथों सम्मानित किया गया। वैक्सीनेशन के मामले में अजीमाबाद स्थित वार्ड नंबर 58 सबसे आगे रहा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने पटना नगर निगम महापौर के साथ ही साथ पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी सिटी मैनेजर सहित कई लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि यह सफलता लोगों के जागरूक होने और नगर निगम के पदाधिकारियों के लगातार प्रयास से संभव हुआ है। साथ ही नगर निगम पटना में टीकाकरण की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे कोई व्यक्ति इस लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि अब लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरूकता आई है। हम अब तक 70% लोगों को वैक्सीन दिलवा चुके हैं, यह प्रयास लगातार जारी है। चेन्नई टीम के सीईओ ने धोनी के संन्यास लेने की अटकलों को किया खारिज। आईपीएल के 2022 सीजन में धोनी के द्वारा संन्यास लेने की खबरें जोरों पर है, मगर महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके के सीईओ ने अब ऐसी अटकलों पर विराम लगाया है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने धोनी के आईपीएल से संन्यास की बातों को खारिज करते हुए आईएएनएस के साथ बातचीत में कहा कि धोनी में अभी काफी क्रिकेट बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि धोनी अभी क्रिकेट के लिहाज से काफी फिट है। माही अभी 1 या 2 साल तक आईपीएल खेलते रहेंगे और चेन्नई का हिस्सा बने रहेंगे। सीएसके के सीईओ ने कहा कि मुझे धोनी के क्रिकेट छोड़ने का कोई कारण नजर नहीं आता है और जहां तक चेन्नई की बात है तो हम उनसे काफी खुश हैं। मालूम हो कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ महेंद्र सिंह धोनी का कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल 2021 खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद टीम और धोनी के बीच नए कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत होगी। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में आई कमी। देश भर में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 43,393 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 911 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान कुल 44,459 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,58,727 हो गई है। वही बात अगर हम अपने राज्य बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 115 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 155 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,140 हो गई है। वहीं रिकवरी दर 98.51% हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना मामले में कमी को देखते हुए बिहार में अब पंचायत चुनाव करा लेने चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक